हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिखा की दुनिया में। और मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि धनतेरस पे क्या खरीदें, जो कि 2021 को बुधवार मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और आपको इस दिन क्या क्या लाना चाहिए, मैं आपको बहुत जल्दी ही, बहुत ज़्यादा समय ना लेके मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गोमती चक्र लाना चाहिए। इस दिन ये चक्र लाना बहुत शुभ होता है। आपको पीली कौड़ी लाना चाहिए। पीली कौड़ी भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, जो कि बहुत शुभ होता है। धनिया की पत्ती जरूर लाएं, क्योंकि धनिया हमारे बुध ग्रह से संबंधित है। और धनिया की पत्ती इसलिए भी लाना चाहिए कि इसको आप धनतेरस के दिन ले आए, और उस दिन आपको इसको पेड़ गमले में लगाना है जड़ के सहित, और इसको रोज़ धनतेरस के बाद से रोज़ आपको इसके नित्य प्रतिदिन पूजा करनी है। माना जाता है कि खड़ा चावल, खड़ा अखंडित अक्षत, ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस दिन आप खड़ा चावल जरूर लेके आए, जो साबुत हो, जो बिल्कुल भी टूटा नहीं हो। खड़ा धनिया लेके आए, चावल लेके आए, सोना चांदी जो भी आपका सामर्थ्य हो वो लेके आए। झाड़ू जरूर खरीदें, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी माता का प्रतीक है, और झाड़ू से हमारी सारी नकारात्मक चीज़ें बाहर होती हैं। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लाएं। कोई भी बर्तन, स्टील, पीतल, तांबा, जो भी आपका सामर्थ्य है वो ज़रूर लेके आए। इस दिन नमक का पैकेट भी जरूर लाएं, क्योंकि नमक हमारी नकारात्मक चीज़ों को दूर करता है। और इसमें पानी में डालकर पोछा जरूर लगाएं। कमल का फूल भी इस दिन जरूर लेके आएं। दिया, जो मिट्टी का दिया होता है, उसको भी धनतेरस के दिन जरूर खरीदें। हल्दी की गांठ, दोस्तों बृहस्पति हमारा अगर मजबूत नहीं होता तो हमें बहुत सारी चीज़ों का साथ दुख का सामना करना पड़ता है, इसलिए हल्दी की गांठ भी जरूर लें, क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कुबेर की मूर्ति, धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति जरूर खरीदें। सरसों का तेल और तिल का तेल जरूर खरीद के लाएं, जो कि दिवाली की पूजा के दिन भी काम आता है। पूजा में आपका आम का पल्लू, दूबा और इत्र, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसलिए दोस्तों इत्र जरूर खरीद के लाएं। ये इतनी सारी चीज़ें आप जरूर खरीद के लाएं, जिससे आपका पूरा साल अच्छा बीते, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे। मैंने अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, क्योंकि बहुत लोग पैसे के लिए मैं वीडियो बहुत लंबा करते हैं, और मुझे पैसा नहीं, लोगों के घर में सुख शांति और माता लक्ष्मी का वास चाहिए। इसलिए दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी चीज़ों को फॉलो करें, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी खुशमय बने। अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।